नमस्कार, मैं हूं इमरान और आप देख रहे हैं झारखंड न्यूज 9। झारखंड के पाकुड़ जिले से एक भीषण सड़क हादसे की खबर आ रही है। पाकुड़ जिले के आमड़ापाड़ा थाना क्षेत्र के कमरडीहा गांव के समीप यात्री बस और ट्रक में आज सुबह भीषण टक्कर हो गई। इस हादसे में अब तक 9 लोगों के मारे जाने की पुष्टि है, वहीं करीब 25 लोग घायल हुए हैं। मृतकों की संख्या और भी बढ़ सकती है। बस और ट्रक की टक्कर इतनी भीषण थी कि काफी देर तक लोग बस में फंसे रहे। इसके लिए पुलिस प्रशासन की ओर से कैश कटर की व्यवस्था की गई ताकि फंसे लोगों और शवों को बाहर निकाला जा सके। इस हादसे में शामिल यात्री बस बरहरवा से जसीडीह जा रही थी, वहीं आमड़ापाड़ा की ओर से गैस लदा ट्रक लिट्टीपाड़ा की ओर जा रही थी। कुहासे के कारण ट्रक और बस के बीच आमने सामने से जोरदार टक्कर हो गई। यात्री बस में करीब 40 से 50 लोग मौजूद थे, जिसमें से 10 से 15 लोगों के मारे जाने की संभावना जताई जा रही है। वहीं बाकी लोग घायल हैं, जिनमें से ज्यादातर गंभीर रूप से जख्मी हैं। घटना की सूचना बस में सवार लोगों ने अपने परिचितों को देना शुरू किया, जिसके बाद पुलिस प्रशासन को यह सूचना मिली और पुलिस मौके पर पहुंची। स्थानीय लोगों और पुलिस प्रशासन के सहयोग से घायलों को आनन फानन में GHC अस्पताल आमड़ापाड़ा में ले जाया गया, जहां सभी घायलों का इलाज करने का प्रयास किया जा रहा है। घायल इतनी बड़ी संख्या में थे कि उनका इलाज करना वहां के कर्मियों के लिए आसान नहीं था। बावजूद इसके स्वास्थ्य कर्मी ने एकजुटता दिखाते हुए सभी घायलों का उपचार किया। घटना की सूचना मिलने के बाद DC वरुण रंजन भी घटनास्थल और अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने घायलों का हाल जाना और उन्हें इलाज के लिए तुरंत रेफर करने का निर्देश दिया। बाकी अस्पतालों के एम्बुलेंसों को भी आमड़ापाड़ा रवाना किया गया ताकि जल्द से जल्द घायलों का बेहतर इलाज हो सके। इस घटना के बाद से ही लोगों की काफी भीड़ जुटी हुई है। और अधिक खबरों के लिए देखते रहें झारखंड न्यूज 9।